मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मित्रों आगामी 6 अप्रैल को हिंदू नववर्ष शुरू होगा। हम लोग ये हिंदू वर्ष के आखिरी महीने में हैं, तो जो हमारा विक्रम संवत 2075 है ये एंड हो जाएगा और 2076 आरंभ होगा। तो अभी आपको मैं शॉर्ट में वर्षफल 2076 का क्या रहने वाला है वो बताऊंगा। आपको आगे आने वाले एपिसोड में आपकी राशि के अनुसार हिंदू नववर्ष का क्या प्रभाव रहेगा, राशि के अनुसार क्या प्रतिफल मिलेगा सबको, जातकों को साल 2076 में, विक्रम संवत 2076 में, वो मैं बताऊंगा। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको शॉर्ट में वर्षफल बताऊंगा 2076 का, और 6 अप्रैल 2019 से जो चैत्र नवरात्रि आरंभ होगी उसमें कलश स्थापना का मुहूर्त भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ दर्शकों का बार बार मैसेज आ रहा है कि आप अभी से ही बता दीजिए जिससे हम तैयारी कर लें। तो मैंने भी सोचा अभी आपको बता देता हूँ। आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको डिटेल में मैं वर्षफल अवेलेबल कराऊंगा। जब हम लोग अंग्रेजी नववर्ष के बारे में इतना ध्यान रखते हैं कि हमारा साल कैसा जाएगा, तो हिंदू नववर्ष के बारे में तो रखना हमारा अधिकार है, हमको उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। और हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया कि विक्रम संवत का जब शुरुआत होती है चैत्र नवरात्रि के पहले दिन, योग्य गुरु से, आचार्य से अपना वर्षफल सुनना बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मांगलिक माना गया। ये जीवन के को कहते हैं कि शुभता प्रदान करता है। तो ये आपको मैं उसके आरंभ में 6 अप्रैल के पहले पहले ये ट्राई करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपको डिटेल्ड उसका वर्षफल मिल जाए। अभी बात कर लेते हैं हम लोग वर्षफल शॉर्ट में क्या होने वाला है। 5 अप्रैल 2019 को दिन में 2:20 और 22 सेकंड पे परिधावी विक्रम संवत 2076 प्रारंभ होगा, जिसके राजा शनि होंगे और मंत्री सूर्य देवता होंगे। ईस्वी सन 2019 की वर्ष प्रवेश कुंडली में सूर्य शनि संयोग चतुर्थ स्थान में हुआ है। तदंतर भारत सहित भारतीय उपमहाद्वीप में एकाधिक देशों में सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनेगी। 5 अप्रैल 2019 से लेकर के 30 मई 2019 के बीच में कृषक, श्रमिक, युवा वर्ग, नारी शक्ति के उत्थान की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर कोई कल्याणकारी कार्य हो, ऐसी स्थिति बनती है। 3 जून 2019 से लेकर के 2 जुलाई 2019 के बीच में देश के अधिकांश हिस्सों में सूखे की स्थिति आना, सूखे के चपेट में आना, ऐसी स्थिति बनती है। भूकंपादि या महाउत्पात एवं राजनीतिक अस्थिरता इत्यादि के समय प्रजा और शासक वर्ग के लिए अप्रिय कहा जा सकता है। जुलाई के अंत में मध्य नवंबर तक का समय विश्वस्तरीय आर्थिक असंतुलन, शेयर बाजार में भारी गिरावट का समय भी कहा जा सकता है। नव विक्रम संवत 2076 की वर्ष प्रवेश कुंडली के अनुसार भारत सहित भारतीय उपमहाद्वीप के कई देशों में काफ़ी उथल पुथल की स्थिति देखी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी विश्व अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर सकती है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार अपने आंतरिक विवादों के कारण परेशान होंगे। सरहदों पर सैनिक हलचल बढ़ेगी। अमेरिका में सत्ता पक्ष के विरुद्ध आवाज़ बुलंद हो सकती है। विक्रम संवत 2076 जो है खास तौर पर मिथुन, तुला और कुंभ लग्न और मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत प्रगति मूलक रहेगा। खास तौर पर ये तीन राशि मिथुन, तुला और कुंभ, तो जिनकी कुंडली में लग्न है या राशि है उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस राशि और लग्न के राजनेताओं, उद्यमियों, स्त्री जातकों के लिए विशेष उत्तम वर्ष कहा जा सकता है। वृश्चिक, सिंह और धनु लग्न या वृश्चिक, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो बाकी 6 राशियां हैं उनके लिए सामान्य वर्ष रहेगा। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा तो कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होगा। ऑटोमोबाइल और रियल इस्टेट और पेट्रोकेमिकल का विश्व बाजार काफ़ी दयनीय स्थिति में भी आ सकता है। तो ये तो बात रही बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने जाना कि 2076 कैसा रहने वाला है, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2019 की कलश स्थापना का क्या मुहूर्त है। 2019 में चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल से शनिवार के दिन से आरंभ होगी और 14 अप्रैल 2019 तक ये रहने वाली है। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है 6 अप्रैल को, वो प्रातःकाल 6:09 से लेकर के सुबह 10:19 तक रहेगा। इस पूरे मुहूर्त की जो अवधि है 4 घंटे 9 मिनट की है।
कलश स्थापना का जो काम होता है, कलश स्थापना का जो अनुष्ठान होता है, वो केवल प्रतिपदा की तिथि में ही किया जाना चाहिए और समय ना होने पर कलश स्थापना मुहूर्त वैद्यति योग के दौरान भी किया जा सकता है। तो प्रतिपदा की तिथि आरंभ कब हो रही है? वो आरंभ हो रही है 5 अप्रैल 2019 को शुक्रवार को 2:20 पे प्रतिपदा लग रहा है और प्रतिपदा समाप्त हो रही है 6 अप्रैल को शनिवार के दिन 3:23। तो 6 अप्रैल को सूर्योदय के बाद जो मुहूर्त मैंने आपको बताया 6:09 से लेकर के 10:19, यानी इस 4 घंटे 9 मिनट के अंदर अंदर कलश स्थापना 6 अप्रैल 2019 को चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष के दिन किया जाना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये कलश स्थापना का मुहूर्त आप अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। आप सभी से बार बार आग्रह करता हूँ कि जब भी आप मेरे कोई भी वीडियोज़ देखते हैं तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, नए दर्शक हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसी शुभकामना के साथ कि माँ भगवती आपका कल्याण करें और हिंदू नववर्ष आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर के आए, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।